हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। काफ़ी दिनों के बाद आवाज़ से आपको समझ आ ही गया होगा, थोड़ी सी तबीयत सी डाउन थी, इस वजह से इतने दिनों से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। अभी भी मतलब प्रॉपर ठीक नहीं हुए, वीकनेस वगैरह अभी भी है, पर ठीक है। आज का ये टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपने घर, अपनी N160 को इंदौर में छोड़ के, चला के लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि तबीयत भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, तो ट्रेन से जाना ज़्यादा सेंसिबल होगा। फ़िलहाल मेरे को ना अपनी N160 को वॉश करानी है, क्योंकि भोपाल से आके मैंने इसको वॉश नहीं कराई थी, और जो मैंने एक एक्चुअल माइलेज निकाला अपनी बाइक का, MID वाला नहीं, जो एक एक्चुअल माइलेज होता है वो मैंने कैलकुलेट किया, तो अराउंड इसने मुझे भोपाल ट्रिप में ओवरऑल 46 का एवरेज दिया है, और जहाँ मैंने आपको दिखाया था MID पे, वहाँ इसने मुझे 48 से 49 का एवरेज दिया था। तो काफ़ी अच्छा एवरेज दिया इसने MID पे यार, गलत ही दिखाती है, पता नहीं क्यों कमी दिखाती है हमेशा MID पे। भाई कसम से हालत ख़राब हो गई अपने विमान को अंदर खड़ी करने में। एंट्रेंस देख रहे हो, ये बस यहाँ से सीढ़ी है और ये बस इतनी सी जगह है, और इसका टर्निंग रेडियस तो माशाल्लाह है ही। सबसे पहले मैंने मिरर्स खोले, उसके बाद भाई लीवर गार्ड को ऊपर की ऐसे सींग बनाया, बाइक मैंने खुद से ही धोई है अभी जस्ट, हालत चूर चूर हो गई, गाड़ी की खुद से धोई, खोला भी नहीं जा रहा क्योंकि ना जहाँ मैं धुलाता हूँ वहाँ पे उसका बोरिंग नहीं चल रहा था, और मेरे को लेट इतना हो रहा था कि मेरे पास टाइम नहीं था। तो बस अभी मैं इसको, ये मैट है यहाँ लगाऊँगा, और मेन स्टैंड पे खड़ी करके इसको कवर कर दूँगा, थोड़ी सूख जाए पोछ दूँगा अभी इसको। सो दिस इज़ आवर नर्मदा ट्रेन जो हमें अपने डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी। वैसे तो खाना मैंने रख लिया है, पानी लिया था, आमूल कूल ली थी और मज़ा लिया था। टाइम हो रहा है 10:30, अभी बस अपने स्टेशन पहुँच जाएंगे आधे घंटे में। तो इन मिडिल ऑफ अ हाईवे, घर यहाँ से पास में ही है। तबीयत की अपडेट ऐसी है कि जिस काम के लिए, मतलब जब लास्ट टाइम आया था तो वो भी व्लॉग कर रहा था, और इस टाइम भी व्लॉग कर रहा हूँ, और सिचुएशन कुछ पिछले टाइप की है। आई एम फीलिंग कि मेरे को फिर से जॉन्टिस हो गया, तो ब्लड टेस्ट कराएंगे, इधर हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, घर जाएंगे मस्त। बाकी ये हमारी गाड़ी जो अभी नेपाल ट्रिप करके आई है, मेरे पापा भाई मेरे से ज़्यादा घूमते हैं। अब यहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, N160 को मैंने सेफली घर पर पार्क कर दिया है। मैंने क्या किया, उसको ना मेन स्टैंड पर खड़ी किया है। मेन स्टैंड पे ना गाड़ी काफ़ी स्टेबल रहती है, और जो उसका ऑयल वगैरह है वो एकदम सेंटर पे रहता है, तो अगर ज़्यादा दिन के लिए आप जा रहे हो तो मेन स्टैंड पे लगा के जाओ, और कोशिश करो कि टैंक फुल रखो ताकि उसमें एयर वगैरह ना आए, और अगर आप बहुत दिन के बाद स्टार्ट भी कर रहे हो ना तो पहले टैंक को थोड़ा सा खोल दो 1-2 मिनट, फिर बंद कर दो उसको, फिर उसके बाद उसको स्टार्ट करो, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। अब यहाँ के कुछ आपको नज़ारे दिखाएंगे, यहाँ के वीडियोस बनाएंगे कुछ दिन, पर ज़्यादा दिन के लिए नहीं हुए यहाँ पे, थोड़े दिन के लिए आए हूँ गणपति के लिए, गणपति निपटा के फिर वापस वहाँ जाऊँगा इंदौर, और बहुत लंबी लंबी राइड्स मारेंगे। ट्रक वाले भैया बाय बाय कर रहे थे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय।